हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के उंडू कश्मीर बाबा रामदेव के दर्शनार्थ गए यात्रियों को किसी अनजान व्यक्ति ने नशीला पदार्थ खिलाकर गहने लूट लिए और मौके से फरार हो गया। नशीले पदार्थ खाने से दो महिलाओं, दो बच्चों सहित पांच लोग मूर्छित होकर घायल हो गए। घटना के बाद किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। नागाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से बाड़मेर राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। टीपू देवी निवासी रेलवे क्वार्टर्स बाड़मेर अपने दो बच्चों और माता गौरव देवी के साथ मंगलवार सुबह दर्शनार्थ उंडू कश्मीर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंची थी। टीपू देवी के मामा देराजय राम ने बताया कि उंडू से वापस लौटते समय किसी अनजान व्यक्ति ने टीपू और उसकी माँ को यह कह के झांसे में लिया कि वह भी बाड़मेर जा रहा है। ऐसा कहते हुए अनजान व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ ले लिया। देराज राम ने बताया कि भीमड़ा से कुछ किलोमीटर दूरी पर अनजान व्यक्ति ने टेम्पो चालक सहित टीपू, उसके बच्चों और माँ को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे सब लोग बेहोश हो गए और माँ बेटी के पहने, कानों के झुमके, कंठी, गले की चैन, दो अंगूठी और पर्स लेकर अनजान व्यक्ति मौके से फरार हो गया। सूचना पर नागाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल बाड़मेर पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम देराज राम है। क्या क्या मामला है? ये मामला क्या है, मेरे पास है तो ये मेरी भांजी लगती है रिश्ते में अंदर ठीक हुए लोग, और ये मेरे पास में फोन आया कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। और उसके बाद कहा कि इसके किसी रिश्तेदार को या बुलाया जाए। मैंने कहा मैं रिश्तेदार को फोन कर दूंगा और मैं भी आ रहा हूँ बाड़मेर। मैं वैसे नौसर गाँव का निवासी हूँ, ठीक। मैं यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि यहाँ पे मेरे आने से पहले पुलिस वाले और किसी दूसरे आदमी ने यहाँ अस्पताल पहुँचा दिया, और उसके बाद में जब पूछा तो पता ये चला कि ये भाड़का से एक टैक्सी में बैठे, और उसके बाद में ये टैक्सी जब सीत्र के पास में आई तो उसके तक तो उनको होश है और उसके बाद में उनको होश है नहीं। हो सकता है इनको किसी खाद्य पदार्थ खिलाया है या खिलाया कुछ किया होगा। उसके बाद में यह टैक्सी जीरो पॉइंट के पास में मिली है, सड़क के ऊपर थी, और ड्राइवर और चार ये कैंडिडेट सभी बेहोशी की स्थिति में। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।